सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज मैं आप सभी को मैथमेटिक्स का एक छोटा सा फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है हमारा मैथमेटिक्स से ये फॉर्मूला। आमतौर पर ये आपको क्लास 4 से लेकर 9, 10, 11, 12 तक आपको इस फॉर्मूला से सॉल्यूशन करने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका क्या है स्ट्रक्चर। स्टूडेंट्स, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? कोई भी आमतौर पर अगर हमें पूछ देता है तो थोड़ा सा हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो हम समझ सकते हैं पहले कि कैसे इस फॉर्मूला को हम लोग सॉल्व करते हैं और खुद से इस फॉर्मूला को बनाकर हम किसी को बतला सकते हैं अगर कोई हमें पूछते हैं तो। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसका जो पावर है वो 2 है। तो स्टूडेंट्स, दो बार आने हम लोग लिखेंगे। जैसे हम लोग समझ सकते हैं, अगर एक्स स्क्वायर लिखते हैं तो एक्स इंटू एक्स होता है, एक्स इंटू एक्स होता है। तो हम लोग इसी प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इस प्रकार से। और करेंगे फिर क्या कि ए से फिर इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए किस प्रकार से इसे गुणा करते हैं हम लोग। जैसे ये यहाँ पे लेते हैं और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए प्लस बी होगा, फिर प्लस यहाँ पे यहाँ बी हम लोग लेंगे ये वाला। अगर यहाँ पे माइनस होता स्टूडेंट्स तो हम लोग वहां पे माइनस हम लोग ले सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी होगा। इस ये जो इसका कॉमन में बाहर है जिसको हिंदी में ओपोजिट कहा जाता है, हम लोग इस ए को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ भी और बी के साथ भी। फिर ये बी, ये जो प्लस बी है, ये ए और ये बी, ये दोनों के साथ गुना होगा। देखिए कैसे बनाते हैं इसे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा ए बी, प्लस बी को ए से करेंगे तो बी ए भी लिख सकते हैं, ए बी भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस ए बी दोनों एक ही जाति के हैं, इसलिए आपस में दोनों जुट जाएंगे और प्लस है सामने साइन, इसलिए दोनों जुटेगा 2ab हो जाएगा, एक और एक 2 और प्लस बी स्क्वायर। यानी हमें कोई अगर पूछता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है तो फॉर्मूला हम उसमें बताएंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से हम लोग इसको बता सकते हैं। इसका एक और तरीका है, अगर कोई इस तरह से नहीं चाहते हैं तो इसे बनाने का एक और फॉर्मूला है। जैसे यहां में हम देख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर कोई इसको दे देता है और कहे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है, ये कैसे होता है इसको प्रूव करके हमको दिखाइए, सिद्ध करके दिखाइए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, तो हम कैसे उसको बतलाएंगे। तो देखते हैं कैसे। इसमें 2 पार्ट्स हैं, जैसे हमारा शरीर है हमारे पास 2 हाथ हैं, ऐसे ही ये फॉर्मूला को 2 हाथ है और ये जो बराबर है ये इसकी बॉडी है, ये बीच वाला भाग है, और एक है, एक हाथ इसका है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड, यानी LHS और RHS दो चीज। तो ये वाला चीज क्या कहलाता है, LHS कहलाता है, और ये वाला भाग क्या कहलाता है यहां से यहां तक, RHS कहलाता है। तो इस प्रकार से भी हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे हम ले लेंगे LHS is equal to, क्या है LHS is equal to a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिर करेंगे क्या, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर x का स्क्वायर करेंगे तो x इंटू एक्स लिख सकते हैं, तो जिस जगह पर x है वहां पे हमारा a प्लस बी है, यानी a प्लस
बी इंटू ए प्लस बी करेंगे होगा क्या, ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ए प्लस बी कहां से लिख रहे हैं, ये वाला मैंने कॉमन यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए लिया है और ये यहाँ पे मैंने लिखा, फिर बी के साथ भी करना पड़ेगा तो बी हो जाएगा इंटू ए प्लस बी होगा। स्टूडेंट थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग ए इंटू ए करते हैं, ए को ए के साथ गुणा करेंगे प्लस फिर ए को बी से तो ए इंटू बी प्लस बी को ए से तो बी इंटू ए हो जाएगा और बी को बी से गुणा करेंगे यानी बी इंटू बी हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत होता है इससे रिलेटेड तो आइए हमारे कमेंट्स बॉक्स पर हमें कमेंट कर भी बताइए, और भी कोई फॉर्मूला इस टाइप का चाहिए तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हो। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ए और ए को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, जब गुणा होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, जैसे ये और ए को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या होता है, ये स्क्वायर हो जाता है, लेकिन ए और प्लस ए रहता है तो होगा 2a, जब गुणा में रहेगा तो इसका पावर बढ़ेगा, जब प्लस में रहेगा तो इसका गुणांक बढ़ेगा। ये बात आप लोगों को दिमाग में रखनी है, ये मैथमेटिक्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप रखते हो क्लियर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे a और a को मल्टीप्लाई मैंने किया तो a स्क्वायर हुआ, प्लस a और b को करेंगे तो ए बी हो जाएगा, फिर b और a को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए लिखे या ए बी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्लस b और b को करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट्स जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी ए बी 2ab और प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर, आप लोग ध्यान से देखिए क्या यही RHS में है, बिल्कुल है हमारा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो LHS बराबर RHS जो था मैंने प्रूव करके दिखाया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स इस टाइप का जो प्रश्न हम लोगों को पूछा जाता है इस फॉर्मूला से रिलेटेड तो देखिए कैसे है मिलता है, हम लोग उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, मैं इसका एक एग्जांपल दे देता हूं आप लोगों को ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। देखिए जैसे फॉर्मूला इस तरह से आपको दे दे कि 2x plus 3 का होल स्क्वायर, आमतौर पर ऐसा प्रश्न मैथमेटिक्स में पूछा जाता है, तो देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे इस फॉर्मूला पर। तो यहाँ पे a बराबर यहाँ पे a की जगह पर क्या है 2x है तो a is equal to 2x और b की जगह पर कितना है 3 है तो मैं 3 रखता हूँ, फिर मैं फॉर्मूला लिखूंगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा स्टूडेंट्स जहां पर ए स्क्वायर है वहां पे 2x बैठाएंगे, जहां पे b है वहां पे 3 बैठाएंगे, तो हो जाएगा क्या ये 2x स्क्वायर प्लस 2 इनटू, क्योंकि ये गुना में है, आप लोगों को समझने के लिए मैं दे रहा हूं, यहां पे आप इस तरह से भी दे सकते हो पॉइंट मतलब वहां पे गुना होता है, तो यहाँ पे b a की जगह पर फिर क्या बैठेगा 2x और b की जगह पर 3 प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, अब क्या करना है इसे स्क्वायर करेंगे 2 का पहले 2 जा 4 फिर 3 का सॉरी x का तो फिर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 जा 4 4 3 जा 12 होता है तो दूनी 4 चाहती है 12 और x का x रहेगा फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर आप लोग याद कर सकते हो ताकि कोई भी स्क्वायर आ जाए 12 आ जाए 15 का जाए 12 का तो 144 15 का 225 यानी 225 इस तरह से आप लोग याद करके रख सकते हो। इस क्वेश्चन का हमारा जो सॉल्यूशन है, ऐसे और भी प्रश्न आपके आ सकते हैं जैसे इस तरह से भी आपका दे सकता है 82 का स्क्वायर अगर दे दिया तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 80 प्लस 2 और इसका भी a प्लस b पर a प्लस b का होल स्क्वायर पर बैठा कर a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके आप इस प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।